ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है और पूरी दुनिया की निगाहें इस अहम बैठक पर टिकी हुई हैं। एक ही मंच पर खड़े नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे दिग्गज नेता। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। यह बयान यूरोप और अमेरिका के लिए एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिक्स का विस्तार होगा लेकिन उसकी दक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रूस के कजानगर में आयोजित 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल हैं। पुतिन का यह बयान न केवल संगठन के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ब्रिक्स में नए सदस्य जोड़ने का समय आ चुका है। उन्होंने यह भी साफ किया कि विस्तार तभी किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो कि संगठन की कार्यक्षमता प्रभावित न हो। 15 साल पहले स्थापित हुआ यह संगठन, जिसमें दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, अब वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ब्रिक्स की ताकत और इसका बढ़ता प्रभाव अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। पुतिन के इस बयान ने यूरोप और अमेरिका को यह संदेश भी दे दिया है कि ब्रिक्स एक मजबूत और विस्तृत समूह बनने जा रहा है जो भविष्य की वैश्विक रणनीतियों को आकार देगा। हाल के वर्षों में ब्रिक्स का विस्तार देखने को मिला है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का भी संगठन में स्वागत किया गया है। ये सभी देश वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके शामिल होने से ब्रिक्स की ताकत और वैश्विक प्रभाव में इजाफा हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिक्स का और विस्तार संभव है? और अगर नए देशों को संगठन में शामिल किया जाता है तो क्या इससे ब्रिक्स की दक्षता पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इसी संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हालिया बयान बेहद अहम है। पुतिन ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संगठन की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता बनी रहे। इसका मतलब यह है कि विस्तार की प्रक्रिया विचारशील और रणनीतिक होगी, ताकि संगठन का मूल उद्देश्य और उसकी संरचना कमजोर न हो। पुतिन के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि ब्रिक्स में नए सदस्यों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन उनके चयन में सावधानी बरती जाएगी। इसके पीछे यह सोच भी हो सकती है कि नए देशों के शामिल होने से संगठन की दिशा और प्रभाव और मजबूत होगा, जिससे यह वैश्विक मंच पर एक सशक्त विकल्प के रूप में उभरेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान निश्चित रूप से संगठन के भविष्य और उसके विस्तार पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति ने इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। पुतिन का यह बयान न केवल ब्रिक्स के अन्य सदस्यों के लिए, बल्कि भारत और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के लिए भी एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भारत और चीन के बीच वर्षों से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच पर उनकी साझेदारी दोनों देशों के लिए एक अवसर हो सकती है, जिससे संगठन को नई दिशा मिल सके।